हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर ट्रिक्स। आज हम 19 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस कंपनी के सीईओ की वार्षिक आय 2018-19 में 66% बढ़कर 4.29 करोड़ डॉलर पर पहुँच गई है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वार्षिक आय 2018-19 में 66% बढ़कर 4.29 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का वेतन 23 लाख डॉलर है और उनकी आय में ज़्यादातर हिस्सा शेयरों का रहा है। उन्होंने शेयरों पर 2.96 करोड़ डॉलर की कमाई हुई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है 9 लाख करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का BSE पर इंट्राडे में 2% बढ़ा है और इसी तेज़ी से रिलायंस का वैल्यूएशन बढ़कर 9.01 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि वर्ष तक हमारी रक्षा निर्यात 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2024। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि वर्ष 2024 तक हमारा रक्षा निर्यात 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। वर्तमान में हमारा रक्षा निर्यात सालाना 11,000 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन। राज्य सरकारों और उद्योग जगत के द्वारा चालू वित्त वर्ष में कितने लाख प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का संकल्प लिया गया है? तो इसका सही आंसर है 7 लाख प्रशिक्षु। राज्य सरकारों और उद्योग जगत के द्वारा चालू वित्त वर्ष में 7 लाख प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का संकल्प लिया गया है। साथ ही नई दिल्ली में अप्रेंटिसशिप पखवाड़ा आयोजित किया गया है। सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 में व्यापक सुधार किए थे। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर बाइक चलाई? इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर बाइक चलाई है, जिसे पूरा करने में 2.5 घंटे का समय लगा। उन्होंने कहा कि 122 किलोमीटर की यात्रा के दौरान रास्ते का सबसे अच्छा नज़ारा और दृश्य स्थल देखने को मिले। अगला क्वेश्चन। एक रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष की तुलना में भारत की पशुधन आबादी 4.6% से बढ़कर 53,57.8 लाख हो गई है? इसका सही आंसर है 2012। पशुधन आबादी की गणना के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 की तुलना में भारत की पशुधन आबादी 4.6% से बढ़कर 53,57.8 लाख हो गई है। इस बार टैबलेट की सहायता से पशुगणना की गई। पिछले 5 वर्षों में गायों की संख्या 18% बढ़कर 14.51 करोड़ हो गई है। अगला क्वेश्चन। PCB ने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाकर किसे टेस्ट का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है सरफराज अहमद पाकिस्तान कप्तान है इस समय। उनको हटाकर अजहर अली को बनाया गया है। PCB का पूरा नाम क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाकर अजहर अली को टेस्ट और बाबर आजम T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 T20 की एक सीरीज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 टेस्ट खेलेगी।
अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए किस टीम ने जीतन पटेल को अपना गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड क्रिकेट टीम। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जीतन पटेल को अपना गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त किया है। अब जीतन पटेल प्लैंकेट शील्ड प्रतियोगिता की शुरुआती 3 मैचों में नहीं खेल सकेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेट टीम को के 3 सीनियर क्रिकेटरों को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम के 3 सीनियर क्रिकेटरों कप्तान मोहम्मद नवीद, बल्लेबाज सैमन अनवर और तेज गेंदबाज कादिर अहमद को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित कर दिया है। इन तीनों खिलाड़ियों पर भ्रष्टाचार रोधी नियमों के उल्लंघन के 13 आरोप लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर ने यूरोपीय संघ और किस देश के बीच एक नया ब्रेग्जिट समझौता होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर ने हाल ही में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच एक नया ब्रेग्जिट समझौता होने की घोषणा की है। यह EU और UK हित उचित और संतुलित समझौता है। इस समझौते के मुताबिक UK और यूरोपियन संसद की मंजूरी मिलनी बाकी है। आज का क्विज क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविद को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।